गाइस देख सकते हो फाइनली दिख गया आधे घंटे के बाद आ रहा है, इधर आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मैं हूँ देवा और आप देख रहे हैं राइट देवा। तो आज हम बनाने वाले जो रानी बाग है इधर का ब्लॉग बनाने वाले। तो आज हम आए रानी बाग और जैसे कि आप देख सकते हो रानी बाग का जो गेट है इधर है, जिसे रानी बाग को वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान भी बोला जाता है, जो कि बहुत फेमस है मुंबई में। रानी बाग सबको पता ही है। तो मैं पिछली बार भी आया था लेकिन तभी इतने मतलब कुछ दिखा नहीं था मुझे, लेकिन अपडेट हो गया रहेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा अपने को। अच्छा अच्छा, हाँ नया बन रहा था तभी, काम चालू था तो हाथी वगैरह तो हमने देख लिया था। आज कुछ नया देखने को मिलता है कि नहीं, और पिछला ब्लॉग आपने मेरा नहीं देखा रानी बाग का तो अभी जाके देखो, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बनाया था कि आप देख सकते हो। और अभी हम अंदर जाने वाले, तो आपको रानी बाग आना रहेगा तो सबसे पहले आपको भाईकला आना पड़ेगा। तो भाईकला से करीब 900 मीटर के दूरी पर है रानी बाग, तो बहुत ही फेमस है मुंबई में। तो और टिकट वगैरह भी लगता है, मतलब कितना टिकट है मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कितना टिकट है। तो गाइस चलो अंदर चलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो इधर पूरा बगीचा, मतलब पूरे जो है ना पेड़ ही पेड़ है, पूरा जंगल है अंदर। अंदर तो बहुत ज़्यादा जंगल है और पूरा आपको दिखाऊंगा। और इधर पार्क वगैरह भी है छोटे से, और ये कुछ म्यूज़ियम वगैरह कुछ रहेगा। उधर तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन चलो अपन चलते हैं और मैं टिकट वगैरह निकाल लेता हूँ। और आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आए गाइस, देख सकते हो। पिछले बार हम आए तो ये डायनासोर हमने देखा था, तो अभी अपडेट हो गया रहेगा, अंदर कुछ नया आया रहेगा, काम चालू था तभी। तो देख सकते हो पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक आए है। और इधर टिकट काउंटर है जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम पहले टिकट निकालेंगे फिर अंदर जाएंगे। और चलो फिर, जो अपना अकेले का टिकट है वो 50 रुपये है दिखने का ब्लॉग वगैरह, और 100 रुपया है कैमरे का DSLR वगैरह आप लेके आ रहे हो तो उसका टिकट है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मैं आया हूँ रानी बाग तो, और वेदर भी बहुत तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो बारिश भी हो सकती है कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो फटाफट आपको दिखाता हूँ मैं पूरा, ये देख सकते हो अपने पिछले बार आए थे ना तो हमने ये देख लिया था, तो देख सकते हो। अरे बारिश आ रही गाइस, तो जैसे आप देख सकते हो पीछे। और चलो अंदर चल के फटाफट। तो गाइस इधर देख सकते हो आप, ये पूरा मैप है शायद इस जू का। तो ये किधर किधर कौन से मतलब जो है ना एनिमल्स है वो दिखा है इधर, एलिफेंट और आगे भी बहुत सारे ऐसे चार्ट देख सकते हो, इधर भी है। तो चलो चलते फटाफट, और काम पूरा हो गया शायद, अपडेट हुआ रहेगा तो अपने को भी मज़ा आएगा, अपने अपडेट हुआ रहेगा ये जू। तो फाइनली हम आ चुके हैं जिधर हमने हाथी देखा था पिछली बार। तो ये देख सकते हो इधर मराठी में लिखा है कुछ इंफॉर्मेशन, और इसमें भी लिखा है पत्तीचा सोंडे सुमारे 150,000 स्नायू असतात आणि ते एका वेळेस 8 लिटर पाणी सोंडे साठू शकतात। तर म्हणजे की हत्तीची जी अपना जो सोंड रहता है ना, तो उसमें वो करीब कितना उसमें कितने स्नायू रहते हैं, 1,50,000। तो उससे वो 8 लीटर पानी छोड़ सकता है उससे, तो यही दिखा है। और आपको मैं दिखाता हूँ अंदर, एलिफेंट है तो बहुत ही खुश हूँ मैं, और बहुत दिनों के बाद एनिमल देखा हूँ। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं। और ये देखो कुछ पेड़ लगाए इधर, और वो तो मैं पिछली बार पेड़ ही दिखाता रहता हूँ, वो तो दिखाता हूँ आपको पूरा आज, एलिफेंट वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर दिखाता हूँ, जितना टाइम लग सके अपने को लगेंगे। बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेंगे आप, तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना आप। तो चलो आपको मैं हाथी दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप इधर एलिफेंट है जो कि इसका हाउस है ये वाला, और बारिश भी चल रही है, मतलब छोटी छोटी बूंदे पड़ रही है, गिर रहे हैं मतलब। तो देख सकते हो क्या कर रहा है, देखो अपना जो कैमरा है उसका लेंस बहुत ही छोटा है, उसी वजह से झूमने हो रहा है, लेकिन आपको इधर आएगा बाद में तो फिर से मैं दिखाऊंगा। तो देख सकते हो आप इधर हेलीपॉइंट,
और एक ही है शायद, और उसके पानी भी है उधर, पानी इधर है शायद, इधर ही है, इधर पानी का है उसके लिए। तो देखो, और चार पांच हाथी थे पिछले बार, तो इधर अभी एक ही है, और कुछ अंदर गए रहेंगे, इधर आएगा ना तब आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं, और पब्लिक बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हो। और चलो, और भी कुछ अपने को देखने का है, इतना नहीं है, मैं इतना दो देता हूँ। माता रानी फोटो निकालने का काम ना पूरा एक बार फोटो नहीं निकाल सकता है वो, खाली ऐसा दिखा सकता है फ्रेंड लोग को बस। YouTube है ना, YouTube पे आएगा। हाँ 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 सबका आएगा, हाँ सबका आएगा। इधर काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है थोड़ा सा, और इधर बंद है फिलहाल के लिए, और हम अंदर आ चुके हैं और दिखाएंगे आपको पूरा। और ये देखो, रानीबाग पूरा अपडेट हो चुका है, और अभी फिलहाल वो जो मैं बोल रहा था ना, अपडेट हुआ है, थोड़ा सा ही अपडेट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी जो एनिमल्स है वो लाए नहीं उन्होंने शायद, तो देख सकते हो इसीलिए बंद है, और अंदर एनिमल्स है बहुत सारे, तो देखेंगे इधर कुछ है क्या शायद उस तरफ से। ये देख सकते हो इधर इस तरफ टाइगर है शायद, तो आपको टाइगर भी दिखाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं, ये देख सकते हो, और उधर भी है शायद कुछ एनिमल्स है उधर भी। तो चलो, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आया है गाइस, इसके अंदर बाघ है लेकिन किधर गया पता नहीं, टाइगर है अंदर, किधर है पता नहीं। चलो आदर्श किधर है, आदत अंदर गया, टाइगर के लिए पानी है इधर, लेकिन टाइगर की तरह पता नहीं, शायद सो गए। किधर गया टाइगर, बहुत बढ़िया बनाया लेकिन, देख सकते हो। तो हमें फाइनली हिप्पो दिख गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बाहर आ रहा है, देख सकते हो। आजा आजा, सब बोल रहे बाहर आ जा बाहर आ जा, लेकिन आ ही नहीं रहा, इसका कुछ और ही चल रहा है, गया नीचे, अभी पानी के नीचे गया वो भी, आ गया। दो दो हिप्पो इधर, मराठी में इसे पान घोड़ा बोलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इधर दी है, जैसे पढ़ सकते हो आप, तो देख सकते हो पानी में ही रहता है, और इधर चारा डाला है इसके लिए, क्योंकि बाहर तो आएगा नहीं, उसका मूड रहेगा तब आएगा, अपने बस में तो नहीं है उसका बुलाना, बाहर आके देखना था हमें जब बाहर आएगा तो। इधर भी हिप्पो है लेकिन वो भी बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, इतना ही देख लो आप, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आ नहीं रहे बाहर, और कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। ये जो डियर है वो भी नहीं आ रहा, हिप्पो भी नहीं आ रहा, आगे देखते हैं उधर कुछ आता है कि नहीं। पूरा ऊपर चढ़ के देख रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा गाइस, पूरी पब्लिक पक गए इधर, इधर ही है, इधर नीचे है लेकिन वो दिख ही नहीं रहा, मैंने उधर से थोड़ा सा आपको दिखा है लेकिन नहीं दिख रहा वो। चलो आगे चलते, पब्लिक पूरा देखने की कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ के भी, लेकिन इतना भी चढ़ के नहीं देखना चाहिए, गिरेंगे तो फिर। तो देखो हिप्पो भी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन हिप्पो तो दिख रहा है थोड़ा सा भी अपने को।
है, डियर इधर एक दिखा है हमें, खाली एक ही है इधर, और कुछ बच्चे वो भी अंदर गए यार, अभी वो भी अंदर गए। गाइस इधर डियर है लेकिन वो भी उसको उन जो उधर पूरा अंदर छुप गए, मतलब पूरा अंदर है वो भी, और इधर से इधर पास पास तो कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, और अंदर कुछ काम भी चल रहा है। और तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं बर्ड्स, तो कौन से बर्ड्स है जो इधर है देखते और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो आप कभी आएंगे तो पढ़ लेना कौन से पेड़ है, इतना मतलब दिखा नहीं सकता मैं, तो पूरे एक सेम ही पेड़ लग रहे हैं मुझे तो सब, मतलब थोड़े से अलग है लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा सेम है, जैसे कि बाम्बू ज़्यादा है इसमें। और इधर बर्ड्स है अंदर, तो चलो बर्ड्स देखते, पैरेट वगैरह कुछ रहेगा तो मुझे आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो हम अंदर जा रहे हैं अभी, और यार कुछ इतना पैसा दे के भी कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो, लेकिन अब हरियाली बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है। लेकिन चलो हमें तो एनिमल्स देखने थे, तो मुझे तो कुछ भी एनिमल्स नहीं दिखे, खाली दो एनिमल्स अच्छी तरह से दिखे, टाइगर की तरह पता नहीं। तो चलो अभी बर्ड्स देखते, तो भाई देख सकते हो मालबर बर्ड्स है शायद, मालबर राइट फॉर्म में भी, तो ये कुछ अच्छा दिखा हमें दो टाइम के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो मराठी में धनेश बोलते हैं, तो मालबर राइट फॉर्म बिल ऐसा नाम है इसका, तो बहुत प्यारी शायद उनके लिए इधर खाना लगता है नीचे, और इधर पानी वगैरह भी रखा है, तो पूरा जाली लगाया ऊपर नीचे। और इधर एक ही बर्ड है जो कि इधर बैठा है, अंदर भी है, अंदर का भी दिखा था देख सकते हो, पैरेट एक ही पैरेट है शायद, और अंदर भी रहेंगे, तो इधर देख सकते हो दो पैरेट है, इधर एक पैरेट है, इधर एक पैरेट है, और इधर भी इधर खाना रखा है, पानी वगैरह सब रखा है, दो ही पैरेट है इसमें इतनी बड़ी जगह। अरे इधर भी है, इधर इधर ऊपर 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 की तरफ है, इधर दो पैरेट है, वो एक अंदर गया। तो भाई जिधर इंफॉर्मेशन दिए है अपर लो, इट्स इट लवली बर्ड इन द टावर लार्जेस्ट, तो देख सकते हो मराठी में भी लिखा है, इधर वार्निंग भी है इसके आप देख सकते हो, और इतने ज़्यादा बर्ड्स नहीं है इसमें, तो ये पढ़ लो आप तो पढ़ना रहेगा, तो चलो अंदर चलते देखते हैं। इधर पैरेट है तो देख सकते हो, वो पास से दिखा रहा आपको मैं, शायद उसका मूड नहीं इधर हटे गए है, और इधर अंदर गया अभी मटके में गया, उसको मटके में बैठते हो शायद, वो मटके बनाए उनके लिए, तो ये जो मटके उनमें बैठते हैं और इधर भी होते देख सकते हो, और इधर उनके लिए बनाया है कुछ बैठने के लिए, अंडे वगैरह देते रहेंगे इधर, और इधर एक गाय है, इधर भी होते शायद इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी इधर ही पता नहीं दिख तो नहीं रहा, पैरेट ही दिख रहे सारे, ये कलर का तो मुझे अभी तक नहीं दिखा, इधर छुपा है क्या मालूम, देखो हो गया इधर जाके बैठ गया, इधर भी मकाओ मकाओ मिलिट्री मकाओ,
क्योंकि पिछली बार दिखा था हमें, तो इधर छुपा है ऊपर। गाइस देख सकते हो इधर भी छुपा है और इधर पास में ही ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है जैसे आपको मैंने देखा था उधर। इधर दो है जो कि जूम करके भी इतना ही दिख रहा है, बहुत बड़ा जो है उनके लिए है। और इधर है दो से और उनके लिए खाना भी है इधर। इधर भी दो कॉकटेल देख सकते हो, वाइट और ग्रे कलर का है जो कि उधर है। गाइस हमें पीकॉक दिखा ही नहीं है, इधर है, इधर दिखा तो है लेकिन इधर कुछ नहीं है। किधर गया पाइथन है शायद, बोल रहे उसको देखिए इधर छुपा है। एक भी इधर पास पास एक भी नहीं है इधर भी वो भी छुपा है। इधर दिखा है पाइथन और इंडियन रेड स्नेक जो कि इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, वो सब छुप गए अंदर, वो तो बाहर आएगा नहीं अभी। इधर रेड स्नेक देख सकते हो इधर क्योंकि बहुत अंदर है। ये देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं एक्वा बर्ड्स देखने के लिए, पान पक्षी जो कि मराठी में है और अंदर है, तो चलो चलते हैं अंदर जाके देखते हैं।
तो गाइस हम आ चुके बीहर देखने के लिए जो कि उधर है शायद। तो गाइस फाइनली दिख गया अपने को, और पिछली बार भी दिखा था अपने को, तो अपना लग तो अच्छा है, इधर दिख गया अपने को। तो खा रहा है वो, और इधर पानी है उसके लिए, और शायद वो घास ही खाता है। सामने जाके दिखा था। तो गाइस फाइनली हमें बियर तो दिख गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फाइनली दिख गया, कुछ ना कुछ तो दिख गया, तो देखते हैं आगे और भी है। तो गाइस फाइनली टाइगर देख सकते हो, इधर है के बाद दिख रहे हैं, लेकिन अभी गाइस देख सकते हो फाइनली दिख गया, आधे घंटे के बाद आ रहा है, इधर आ रहा है भाई साहब, कड़ाक इधर है, इधर या भाई इधर एक नंबर। किधर चले गया? अरे खतरनाक, युवा खुशी में क्या कर रहे हो? रोमांस कर रहे हैं? सो बिग यार, इधर आना। अभी नहीं आएगा। गया हूँ अभी। तो गाइस फाइनली हमें टाइगर दिख चुका है, और बहुत ही क्लोज आया था वो, तो बहुत हमारा मतलब लक है ऐसा समझ सकते हम, क्योंकि इतना पास आना, और एक घंटे से हम इधर ही, मतलब एक घंटे के बाद आया वो, तो एक घंटे के बाद आप सोच सकते हो मतलब कितना टाइम लगा उसे आने में। तो फाइनली हमने टाइगर तो देख लिया एकदम अच्छी तरीके से, और आगे जाके देख बची हो
क्या ख्याल है? भीड़ है क्या कर रहे किती मोठा आहे तो मजा येते. लोक आले ना मला बघायला, किती लोक होते मगाशी झोपला होता तिकडे तो. तो आपको मैंने जो कुछ भी एनिमल्स थे आपको सब दिखा दिया. तो इतना ही एनिमल्स है इसके अंदर. तो गाइस ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो. जल्दी हमारी 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले. तो इस बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ. तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मतलब आपको कौन सा ब्लॉग चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर आपको ब्लॉग चाहिए. तो उस टॉपिक पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा. तो बहुत दिनों के बाद रानी भाग आया था लेकिन कुछ दिखा नहीं ज़्यादातर. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. जय हिंद, वंदे मातरम.